सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तुल्यकालिक मोटर, ठीक है। अब तुल्यकालिक मोटर, हमको मोटर के बारे में हमको पता है कि मोटर क्या होती है। सबसे पहले अगर हम मोटर की बात करें कि मोटर क्या होती है, तो मोटर के बारे में पिछली क्लासेस में हम लोग ने जानकारी लिया कि ऐसा कह सकते हैं हम कि ऐसी मशीन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परावर्तित करती है, ऐसी मशीन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परावर्तित करते हुए कहलाती है मोटर कहलाती है। अब बात आती है सिंक्रोनस मोटर की, तो यहां पर अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो यहां आपका सिंक्रोनस मोटर रह जाएगा और ये कहेंगे कि भाई इनपुट में हम फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अंतर क्या हो जाएगा कि जो आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी इसमें रोटर की जो गति है वो सिंक्रोनस गति, यानी जिस गति से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमते हैं उसी गति से इस मोटर का रोटर मूव करता है, ठीक है ना। ऐसी मशीन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिंक्रोनस गति से यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित कर दे तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। दूसरी बात ये, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों सेम, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों सेम रहते हैं और ये जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। जैसे सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। बाकी यदि देखा जाए तो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, पर ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इस मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है।